राधा रानी की मैया ने किशोरी जी से कही, लाली अब तू बड़ी होती जा रही है ना, घर के काम का सीख ले। किशोरी जी बोली, कहा करूं मैया? बोले, अब तू दही मथनों सीख ले, मक्खन निकारे कर, धीरे धीरे घर के कामन ने अपने जीवन में ला। तो किशोरी जी आज पहली बार दधि मंथन कर रही हैं। किशोरी प्यारी दधि मथ सुंदर लागे, किशोरी प्यारी दधि मथ सुंदर, तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक 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 तनिक, तनिक मतलब छोटे, तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक सी भोरी चलावे किशोरी राधे, तनिक सी भोरी दधि मथ सुंदर लागे, किशोरी राधे दधि मथ सुंदर। आज किशोरी जी ने जैसी मथनी पहली बार चलानो प्रारंभ कियो, सबरे ब्रजमंडल की गोपी इकट्ठी है गई, बधाई गायन लगी, नंगाड़े बजन लगे पूरे ब्रजमंडल में। सब पूछन लगे, अरे भैया काय बात के मंगल गाए जा रहे हैं? बोले, आज वृषभानु नंदिनी किशोरी जी पहली बार मक्खन निकाल रही हैं। आहा, ब्रजवासी इनकी भीड़ लगी है, पहलो मक्खन को प्रसाद हमको मिलना चाहिए, लंबी भीड़ लगी है। वृषभानु जी सबको संभाल रहे हैं, बोले चिंता मत करो लाली, मक्खन निकाल तो ले, एक एक बिंदिया, एक एक बिंदी मक्खन सबको मिलेगा प्रसाद में। नंगाड़े की आवाज पहुंच गई कहां, नंदगाम। इतने में दौड़ो दौड़ो मधुमंगल गए और ठाकुर जी के पास, बोले लाला एक नई खबर लेके आया हूं। ठाकुर जी बोले, कहा खबर है भैया? बोले, बरसाने में नंगाड़े बज रहे हैं। बोले, काय बात के नंगाड़े? बोले, किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं पहली बार, दही मथ रही हैं। लाला तेने सबरी गोपीन के यहां को मक्खन चुराया हो, काणी भेणी लूली लंगड़ी सबरी गोपीन के मक्खन खाए, परम सुंदरी किशोरी जी को मक्खन नहीं चुराया तो हम काय बात के चोर? ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी उतारी, कमर पर बांधी, बोले सही कह रहा मधुमंगल, यदि किशोरी जी के हाथ की मथी भई दधी दधी ते निकरो भयो, मक्खन हमने नहीं पायो तो कहां पायो? मधुमंगल बोलो, योजना तो ऐसी है कि किशोरी जी के हाथ से निकरो मक्खन, सबसे पहले कुल देवी को पधरायो जाएगो। लाला तू कछु कर, कैसे करके वह माखन को खाए के आ। हमारे लाल जी पे मैं एक बात कहूं, कछु करनो आवे चे नहीं आवे, एक काम बहुत बढ़िया आवे, कहा छोरी बनो बहुत बढ़िया आवे। नेक में ही अपने केस खोल दिए, आंखन में काजल लगा लियो, मुख पे लाली माँ लगा ली और सोई महाराज, कोई छोटी सी गोपी की बढ़िया सुंदर पोशाक ले आए, नीचे पहनी ऊपर चुनरी डाली, हाथन में छोटी छोटी चूड़ी पहनी। नेक से सें ठाकुर जी ज्यादा से 4-5 साल के होंगे, नेक नेक से चूड़ी पहन ली, पामन में पाजेब पहन ली और नेत्रन में काजल लगा लियो, कैसा लग रहा हूं? मधुमंगल बोलो, लाला तू छोरी होता तो भगा ले जाता मैं, इतना प्यारो लग रहा है। अरे बाल ब्याह कर ले तो अब तू जल्दी जा, नहीं तो मैं तो ब्याही कर लूंगा। ठाकुर जी छोटी सी सखी बन करके मक्खन चुराने जा रहे हैं, कौन को? श्री जी को, श्री राधा रानी। ये लीला कहीं लिखी नहीं है, ये चिंतन में आई लीला है, ये भाव में आई लीला है। आहा, बेवस भय धाए नंद नंदन, बेवस भय गाओ, ताली मत बजाओ पर पीछे गाओ, बेवस भय धाए नंद नंदन, बेबस भय धाए नंदन, कैसे सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए, किशोरी राधे
दधिमथ सुंदर लागे किशोरी राधे दधिमथ। ठाकुर जी पहुंच गए बरसाने, अब नेक सीसी गोपी बन के गए, कोई ना रोको ही ना, सीधे पहुंच गए भवन में। चारों तरफ गोपियां खड़ी हैं और उन गोपीन की छोटी छोटी लाली खड़ी हैं, वहीं पर ठाकुर जी भी जाके खड़े हो गए। गोपीन को लगी कोई बरसाने की गोपी की छोरी होगी छोटी। ठाकुर जी आके खड़े हो गए, चुपचाप देख रहे हैं। छोटे छोटे से हाथ हैं किशोरी जी के, नेक सीसी मथनी ऐसे मथ रही है वहां में, थे धीमे धीमे दधी नीचे जा रहा है, छाछ नीचे जा रही है, मक्खन ऊपर आ रहा है। ठाकुर जी के मुंह से लार टपक रही है, बीच बीच में ऐसे अपने मुंह को साफ कर रहे हैं और बस योजना बना रहे हैं कैसे चुरा के भागूं याकू। इतने में ही कीर्ति मैया बोली, अरे चलो सखी, आज पहली बार किशोरी ने मक्खन निकारो है, या मक्खन को भोग कुल देवी को लगाएंगे, सब जाओ कुल देवी के यहाँ व्यवस्था करो, नए नए वस्त्र पहन के आओ। अरे लाली तू भी जा, नए वस्त्र पहन के आ, मक्खन लेके कुल देवी को पूजन करवे जाएंगे। कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ, सुन मोहन घबराए, सुन मोहन घबराए, हे सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में छल बल करके, माखन ले बन धाए, माखन ले बन धाए। सब सखियां सजवे जा रही हैं, किशोरी जी तैयार हुए गई हैं, वहीं मटकी में मक्खन रख के चली गई हैं सब, कि अब सब जाओ तैयार है लाओ। सब निकलती गई, ठाकुर जी वही कोने में छुप के खड़े है गए, और जैसे ही सब सखी गई नेक सीसी मटकी में नेक सो से मक्खन। अब किशोरी जी ने कोई बहुत ज्यादा तो निकारो नहीं होगा, नेक सीसी नेक सो से ही निकारो। वहां नेक से मक्खन को लेकर के ठाकुर जी वन की ओर भागे, और वन में भाग करके ठाकुर जी ने अपनो श्रृंगार आदि सब उतारो, एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। सहन नहीं है रोए, किशोरी जी ने मक्खन निकारो है, याकू तो मैं प्रेम सो पाऊंगो। कहा भयो, जैसे ही प्रथम मक्खन उंगरी में लेकर के मुख से लगायो, तो कहा भयो, माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो, गिरधर बेसुद पाए, गिरधर। ठाकुर जी ने जैसे ही मक्खन नेक अपनी जीभ पर रखो, वो एक बिंदु रखते ही नेत्र बंद है गए। किशोरी जी को स्मरण है न लगो, तनिक तनिक से हाथन सो, कैसे श्रम करके किशोरी जी ने मक्खन निकाल के मटकी में धरो। इन्हीं सब चिंतन में आकर के ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है के गिर पड़े, बेसुध है गए। एक हाथ में मक्खन लगो, दूसरे हाथ में मटकी, ठाकुर जी पड़े हैं बेसुध। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, बस वही स्मरण चल रहा है मन में। यहां सब सखी आई और जैसे ही आकर के देखो, महाराज मक्खन तो गायब है गयो, मटकी कोई लेके भाज गयो, पूरे बरसाने में हल्ला है गो, अरे मक्खन चोरी है गो, मक्खन चोरी है गो, मक्खन चोरी है गो। किशोरी जी बोली, मक्खन लेके कौन चलोगो, किशोरी जी के तो नेक नेक अश्रुबिंद आ गए, पहली बार मक्खन निकारो वो कोई लेके भाजगो। तभी किशोरी जी की छोटी छोटी सखियां ललिता विशाखा भी आई और बोली, बोले मक्खन चोर तो एक ही है पूरे ब्रजमंडल में, हमें ऐसा लगा वहां कुछ सुगंधी आ गई होगी श्यामाजू, और वो ही आकर के लेके गयो, पर वो कैसे आ सके यहाँ पे, हम तो नेक देर को गए, इतनी देर में भी कोई ना आयो, द्वार आदि सब बंद रहते। विशाखा बोली, अरे बड़ो छग में भेषी है, नेक में ही गोपी बन जाए, कुछ तनिक सी छोरी बन के आएगो होगो, लेके भाजगो को, मैं सब जानू वाकू। श्यामाजू आप तो चलो नंदगाम के मार्ग पर चलें, वन में ढूंढेंगे मिल जाएगो। और किशोरी जी सब सखीन के संग गई, और तभी कहा देखो, एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी ने सखी को रूप धारण कर रखो है,
केश खोल रखे हैं, चुनरी पड़ी है, बेसुध अवस्था में पड़े हैं। ठाकुर जी को नीचे छोटा सा लहंगा, लहंगा के नीचे छोटे छोटे पावन में छोटे छोटे नूपुर, हाथन में चूड़ी और ऐसे मुखमंडल की कांति देख करके सब सखी पहले तो बेहोश कन्हैया की बलैया ले रही, कितने प्यारे लग रहे हैं। मुख पे मक्खन लगा है, दूसरे हाथ में छोटी सी हंडी में मक्खन रखा है। किशोरी जी बोली, देखो यहाँ पड़े हैं चोर और लेके भाज गए, पता ना यहाँ सो कैसे गए। किशोरी जी ने जाकर के ठाकुर जी के मस्तक पर जैसे ही भुजा रखी, ठाकुर जी होश में आए। सब सखी बोली, हे श्यामाजू, आपके हाथ से निकसो मक्खन पावे की सवन की इच्छा, परंतु ये तो है ही ना सके कि आप कछु बनावे और श्याम सुंदर पहले नहीं पावे। अब श्याम सुंदर ने अधर पर धारण कर ही लियो है, हम सब सखीन की बड़ी अभिलाषा है कि आपको प्रसाद हमें मिले, तो आप कृपा करो यही मक्खन जो श्याम सुंदर के अधर पर लगो है आप अपनी भुजा से लेकर के हम सब सखीन को बांट दियो। और ठाकुर जी के मुख पे लगो मक्खन ही सब सखीन में बांट दियो। और या तरीका से किशोरी जी के हाथ से निकसो वयो मक्खन ठाकुर जी ने प्रसादी करके पूरे ब्रजमंडल में बटवायो है। बोलो बाल कृष्ण लाल की, किशोरी राधे दधिमथ सुंदर लाल, किशोरी राधे दधिमथ सुंदर। ऐसी ठाकुर जी की अब वृंदावन आने के बाद में ये निकुंज लीला प्रारंभ हो गई है। किशोरी जी के साथ मान लीला, किशोरी जी के साथ में दान लीला, किशोरी जी के साथ में अद्भुत अद्भुत लीलाओं को ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी की अब ब्रज लीला प्रारंभ हो गई। आगे भगवान ने वेणु गीत के माध्यम से ब्रज की गोपीन को अपने वनचर रूप को दर्शन करायो।